चारधाम यात्रा नजदीक आते ही शासन प्रशासन अपनी तैयारियों को अंतरिम रूप देने के लिए लगे हैं। ऐसे में जल संस्थान भी चारधाम यात्रा मार्गों में पानी की समुचित व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। जानकारी देते हुए जल संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने बताया कि चारधाम यात्रा बेहद नजदीक है, ऐसे में जल संस्थान द्वारा चारधाम मार्गों में पानी की समुचित व्यवस्था करने के लिए तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। नीलिमा गर्ग ने कहा कि हेमकुंड मार्ग पर अभी भी कुछ कार्य बचे हुए हैं जिनको 10 मई तक पूर्ण कर लिया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। के लिए तो हमने पूरा काम पूरा कर दिया है और इसमें जितने भी TTSP PTSP और इसके अलावा हम लोग जानवरों के लिए चरी का इंतजाम करते हैं और टॉयलेट्स में पानी देने का, वो सारे काम पूर्ण हो गए हैं। केवल हेमकुंड वाला 10 मई तक हो जाएगा, उसके रास्ते में अभी थोड़ा बर्फ है तो वो बचा है, सारे ही काम कंप्लीट हो।